मैं इस पे कुछ कहना चाहूंगी, ये जो इन्होंने इल्जाम तराशी की है मेरी पार्टी पे, ये 18 शुक्र है कि एटलीस्ट 18 लोग तो खड़े हुए, आप लोगों की तो पार्टी में से एक बंदा नहीं खड़ा हुआ जब ये बात उठी। आप लोगों का अब्सटेन करके मुंह छुपा के बाहर निकलना पड़ा असेंबली से, क्योंकि आप लोग ने वोट देने लेने वहीं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में वापस जाने थे, तो आपकी तो एम्बेरसमेंट, आपकी पार्टी ने तो आपको बैक नहीं किया। पार्टी का मौका होता तो 53 वोट खिलाफ पड़ते, ये अमेंडमेंट पास ना होती। आज सियासत खेले जरूर खेले, सिंपल सी सिचुएशन है, आप लोगों की तो कंफ्यूज सियासत है। मैं सिर्फ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आना चाह रही हूँ, वो ये कि जब आप और हम सब इसी मसले में उलझे हुए हैं, तो इस वक्त हुकूमत जितने भी गलतियां कर रही है रोजगार पे, यानी पीपल्स पार्टी वाले तो खुश हैं, वो सारी चीजें, पीपल्स पार्टी दो साल से रगड़ा खा रही थी मीडिया में, वो तो खुश कर दिया गया, वो तो साइड पे खड़े होकर देख रहे हैं कि ये आप लोग आपस में लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी से ज्यादा खुश इस वक्त कोई नहीं हो सकता। मैं वही कहना चाह रही हूँ कि अच्छा अब इसको क्लियर हो ही गया है कि अभी इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, पोजीशन नहीं है, मैं अब आगे बढ़ा, देखिए 18वीं तरमीम, ठीक है, 18वीं तरमीम ज्यादा इम्कान है कि पास हो जाएगी अगर काफ लीग उसके खिलाफ वोट दे भी दे, फिर भी मुश्किल है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ शाहिद साहब, पहले आपसे और फिर बाकी दीगर मेहमानों से, कि जब ये पास हो जाएगी आप क्या खैबर पख्तूनख्वा के नाम को रिविजिट करना चाहते हैं, 19वीं तरमीम लाना चाहते हैं? क्योंकि अगर आपके पास कोई नया नाम है तो वो आपने पहले एएनपी को तो नहीं दिया, आप खैबर पख्तूनख्वा, खैबर का लफ्ज आपकी पार्टी ने दिया है, अब प्रेशर में आके, क्योंकि आपका वहां पे कंस्टिट्यूएंसी है, प्रेशर में आके अब रिविजिट करेंगे, स्ट्रेटजी क्या है, 19वीं तरमीम आ सकती है? देखिए प्रेशर पहले भी था, मैंने पहले भी गुजारिश की है कि खैबर पख्तूनख्वा का नाम एक कंप्रोमाइज के तौर पर एक बड़े मकसद को हासिल करने के लिए कबूल किया गया, क्योंकि पीपल्स पार्टी और एएनपी ऑलरेडी उसको कबूल कर चुकी थी। लेकिन मेरा पॉइंट शायद साहब ये था कि वो उस टाइम कॉम्प्रोमाइज ठीक था, कॉम्प्रोमाइज के तौर पर कबूल किया, ठीक है, लेकिन उस टाइम बारिश ये है कि आप शायद चार पांच, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चार पांच दिन जो वो हंगामे हुए ना, उससे सूरत हाल चेंज होगी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इन चार पांच दिन के हंगामों के बाद अब मुस्लिम लीग नून जहनी तौर पर तैयार है कि फिर से इस कॉम्प्रोमाइज को रिविजिट करें? देखें बिल्कुल इस कॉम्प्रोमाइज को रिविजिट करने की जरूरत इसलिए है कि एक बहुत बड़ा रिएक्शन है एक सूबे के एक बड़े हिस्से में, तो उससे आप इनसेंसिटिव नहीं रह सकते। आपको उस मसले को हल करने की या उन लोगों के ख्वाहिशात के मुताबिक इस मसले को हल करने की जरूरत है। इसमें एक रास्ता ने पहले भी बताया था कि सूबा सरहद में आप रेफरेंडम करा लें पख्तूनख्वा या खैबर पख्तूनख्वा के नाम पर, वहां से बात बड़ी क्लियर हो जाएगी। दूसरा, अगर हजारा पख्तूनख्वा कबूल होता है, अभी 18वीं तरमीम मुकम्मल नहीं हुई, सेनेट में है, उसको आप वहां पर अमेंडमेंट कर ले, कौमी असेंबली उसको पास कर दे, लेकिन ये तो इस मसले को हल करने की जरूरत है। अच्छा, यानी तीन चार दिन के हंगामों के बाद अगर आपकी थिंकिंग में चेंज आई है, लेकिन एएनपी की सोच में तो मेरे ख्याल ये तो आपको बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं होगा अगर ये होता है, अगर नून और काफ दोनों कहते हैं कि रिविजिट करें। फिर मैं अब्बासी साहब को कहता हूं कि नवाज शरीफ ने जो उसूलों की सियासत की है उसमें कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज उसने खुद कहा कि उसने उसको करना पड़ा, लेकिन वो पूरे पाकिस्तान के लीडर है, एक हजारा के या एक सूबे के वो लीडर नहीं, उसने इंशाल्लाह ताला उसने उसूलों की सियासत की है, वो हजारा से उसको कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन हमारा रेफरेंडम जो है ना, रेफरेंडम इसका हल नहीं है। रेफरेंडम हम इसके कहते हैं कि कौमी असेंबली में रेफरेंडम हो गया, 264 वोट हमें मिले, 18 वोट उधर पड़े, रेफरेंडम सूबाई असेंबली में हो गई, रेफरेंडम में हमारे हक में ये करारदाद पास होगी। तो अगर रेफरेंडम होता तो फिर हजारा तो नहीं है ना, 24 जिले हैं, 8-10 हमारे डिवीजन है, तो इस तरह फिर और भी मसाइल पैदा होंगे। मैं कहता हूं कि असूली की सियासत जो भी करता है, हमने की है, हमें आखिर 10 वोट से, ये हमारे 10 वोट थे, ये हमारी बड़ी कामयाबी है कि हमारे 10 वोट से, चूंकि हमारी सियासत उसूली थी, हमारा मौकअप सही था, तो 10 वोटों के बजाय हमें 264 वोट पड़े, ठीक है, तो ये हमारी उसूली की सियासत है। इसी तरह नवाज शरीफ ने किया है, इंशाल्लाह उनको भी कोई इधर हजारे से निकाल नहीं सकता, अब वो हजारे में आए हैं, तो इंशाल्लाह 2-3 दिन बाद आप देखेंगे कि आपके सामने नवाज शरीफ का जो बयान आपके सामने साफ नहीं निकाल पाएगा नवाज शरीफ को हजारे से इस सारे नहीं, नहीं, नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जज्बाती बातें हैं, ये हमें अफसोस है कि जो कुछ हुआ है, लेकिन ये जज्बाती बातें हैं, ये सियासत में आ जाती है। इस तरह
कई दफ़ा ऐसी बातें सिंध में भी आए हैं, बलूचिस्तान में भी आए हैं, पंजाब में भी आए हैं, इंशाल्लाह ताला ये मसला हल होगा। ये मुल्क रहने के लिए बना है, ये सूबा अब तरक्की करेगा, इस ये सूबे में सबसे ज्यादा तरक्की जो करेगा वो हज़ारा करेगा। मारवी ये पॉइंट है, देखें जो हमारा वक्त खत्म हो रहा है वेरी ब्रीफली, कि अगर हज़ारा के में जो हंगामे हुए उसकी वजह से नाम रिविजिट होता है या जो भी होता है या 19th अमेंडमेंट वगैरह आती है, तो इनका पॉइंट ये कि मैसेज तो यही है कि फिर अगर आपको अपना सूबा बनवाना है तो आप हंगामे करें, फिर सरायकी इलाका है वहां भी कुछ हो, फिर सिंध में भी कुछ हो वगैरह वगैरह, दैट्स द पॉइंट। देखें मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो इशू है इन्होंने खुद शुरू किया है। इस वक्त हमने जो नाम शुरू में दिया था, क्योंकि हमारा विजन था इंसानों का नहीं था, वो था सरहद, वो कॉम्प्रोमाइज की ये बातें करते हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं, लेकिन सरहद तो एएनपी की हुकूमत है, सरहद वो कैसे मानेंगे? नहीं, सरहद ही तो चेंज कराना चाह रहे हैं, सारे नाम प्रैक्टिकल चीज है, वो एक ट्रेडिशनल नाम दो तो सीटें है और नाम रखते हैं सूबे, हमारे सूबे का ये अजीब बात है, दो सीटें अजीब की, हम इनसे फुला ने इनको वोट नहीं दिया जी, हम इनसे फुला वोट नहीं दिया, अयूब अलाई ने इनको वोट नहीं दिया, तो तीन तो वोट पड़े जी। सवाल उन्होंने मुझसे किया था, आप थोड़ा सुन ले, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि सरहद का नाम हमने इसलिए तजवीज दी थी क्योंकि वो जो है एक ऐसा नाम था जिसमें सब राजी थे, न सिर्फ हजारा के लोग, चित्राल के लोग, डीआई खान के लोग, पूरे सारे जो सारे लोग उस पर राजी होंगे। इन्होंने रेफरेंडम से तो ये भाग रहे हैं बिकॉज उनको पता है कि रिजल्ट क्या निकलने रेफरेंडम के, रेफरेंडम हो चुका है, अभी डायरेक्शन में इस मुल्क को लेके जा रहे हैं। ठीक है शाहिद साहब, फाइनल वर्ड प्रेडिक्शन दें आपके, ये हवारा की सूरत हाल आपके सामने है, आने वाले दिनों में क्या होगा? देखिए ये सियासत करने का मौका नहीं है, 30 सेकंड, एक मौकफ को समझने और उस पर उसको हल करने की जरूरत है, और मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि इस इशू को रिविजिट करने की जरूरत है, एएनपी भी खुला दिल दिखाए, पीपल्स पार्टी भी खुला दिल दिखाए, इस पर डिबेट हो, इसका कोई मुस्तकिल हाल सेनेट के अंदर निकलना चाहिए, अगर नाम को अमेंड करने की जरूरत है वहां पर नाम को अमेंड किया जाए, कौमी असेंबली फिर उस पर अपनी राय दे देगी। ठीक है, मैं समझता हूं कि हम इस मसले से अलहदा नहीं रह सकते, इस मसले को हल करने की जरूरत है, क्योंकि खत्म हो गया, बिल्कुल वक्त खत्म हो गया, मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आपसे फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।